नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सब्जी विक्रेता की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मामला बड़हलगंज थाना क्षेत्र का। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। जीआरपी पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का एक मोबाइल, 95,000 रुपए नगद किया बरामद। एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी व एडीएम सिटी ने पीएससी जवानों के साथ बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता चौकी तक किया फ्लैग मार्च, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास एवं तकनीकी परामर्श पर राज्य स्तरीय वेबिनार का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा मत्स्य उत्पादन को 12 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने का है लक्ष्य। मछली पालक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं अनुदान का लाभ। नाला और नालियों की सफाई का नगर निगम ड्रोन कैमरे से कर रहा है निगरानी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा शासन को पेन ड्राइव के माध्यम से भेजी जा रही है रिकॉर्डिंग। 5 जोन में जोनल अधिकारी और जोनल सैनिटरी अफसर को कैमरा और कैमरामैन कराया गया है उपलब्ध, ताकि जल्द से जल्द पूरा किया जा सके नाला सफाई का कार्य। शुक्रवार को जुमे की नमाज जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न। एसएसपी ने कहा जुमे की नमाज को संपन्न कराने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई गई है पुलिस व पीएससी की ड्यूटी। जिले के सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कर रहे हैं निगरानी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करने वाले एक अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 33 मोबाइल किया बरामद। एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बेलघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटिया में लगाया गया परफॉर्मेंस ग्रांट का चौपाल। कहा ग्रामवासियों से किया गया अपील कि कार्य की गुणवत्ता पर स्वयं रखे नजर। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। व्यापारियों के सुझाव को अमल में लाने तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। इलेक्ट्रिक बसों से नगर निगम ने जनवरी माह से लेकर अब तक 1,57,00,000 रुपए की कमाई। 2 टूरिस्ट बस और 10 अतिरिक्त बसें पहुंची गोरखपुर। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा इलेक्ट्रिक बसों की कमाई में पूरे यूपी में अपने आप में बनाए एक रिकॉर्ड। और शहर के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों और ट्रैफिक पुलिस के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक ने कहा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया ताकि वह रह सके स्वस्थ और सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सब्जी विक्रेता राजेंद्र दुबे की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार बड़हलगंज से निवासी राजेंद्र दुबे सब्जी बेचने का काम करते हैं। शुक्रवार की सुबह वह बड़हलगंज मंडी गए थे। मंडी से सब्जी लेकर वह मोपेट से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में पार्वती स्थान के पास कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और सीने में गोली मार दी। गोली उनके सीने के आर पार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है कि उन्हें गोली क्यों मारी गई और किसने मारी है। ग्रामीणों के अनुसार 4-5 दिन पहले गांव में कुछ लोगों से राजेंद्र को रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिससे थाने में समझौता हो गया था। उसके बाद से ही तनाव चल रहा था। 1996 में जमीनी विवाद को लेकर कल्याणपुर के युवक की हत्या के मामले में मृतक राजेंद्र नामजद आरोपी थे और जेल भी गए थे। पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। इसके अलावा जमीनी विवाद सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार बदमाशों की संख्या में थे, उनमें से 2-3 राउंड फायर किया गया, जिससे एक गोली राजेंद्र
महेंद्र के सीने में लगी, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि बड़हलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक का नाम राजेंद्र दुबे है, जो कि हत्या के मामले में एक बार जेल जा चुका है, जिसके सीने में गोली लगी थी और शव सड़क पर मिला। राजेंद्र दुबे सब्जी बेचने का काम करते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। घटना के अनावरण के लिए एसपी साउथ के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, जो कि बारीकी से मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, प्राइमरी में जाता होगा, बेचारे कमजोर थे, कहाँ वाला पहले पकड़ लो तो नहीं जो वाला उसको मत पकड़ो, बिगर बोला कर था। हाँ मत वो करो, कोई चीज़ बहुत बड़ी पड़ी है, कम पढ़े लो बाबू। बड़ा घर में व्यापारी गोली मार कर हत्या कर सकते हैं। बड़हलगंज में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची है। राजेंद्र दुबे नामक ये व्यक्ति हैं, जो कि पूर्व में एक हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं और इनकी सीने में गोली लगी थी, शव सड़क पर मिला था। इसमें ये सब्जी बेचने का काम करते हैं गली गली गाँव में घूम कर, और इनका जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों से आख्या लेकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल एसपी साउथ और 3 थानों की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, जो कि प्रकरण के अनावरण के लिए शीघ्रता से कार्रवाई कर रहे हैं। जीआरपी पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को जीआरपी थाना की पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक चोरी का मोबाइल, चोरी किए गए माल की बिक्री का 95,000 रुपए नकद बरामद किया गया, जिनकी पहचान मोमिन पुत्र स्वर्गीय 1,00,000 निवासी बक्सर थाना सिंभावली जनपद हापुड़, दूसरा साजिद पुत्र मकसूद निवासी निडोरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, तीसरा इमरान पुत्र स्वर्गीय फैयाज निवासी औरंगाबाद थाना सिंभावली जनपद हापुड़, चौथा शाहिद पुत्र स्वर्गीय सजाऊ ग्राम धासीपुर थाना खरखोदा जिला मेरठ, पांचवा गुलबहार पुत्र महफूज अली निवासी देहरा थाना घोलाना जिला हापुड़, छठवा इरफान पुत्र स्वर्गीय फैयाज निवासी औरंगाबाद थाना सिंभावली जिला हापुड़ के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों को कपड़ा बेचने के बहाने कपड़ा दिखाना व इसी दरमियान इनके साथियों द्वारा घेरा बनाकर उनके पास लिए बैग काट कर सामान ज्वेलरी की चोरी कर लेना है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी सर्विलांस सेल प्रभारी आदित्य सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार राय, विजय शंकर यादव, राजीव कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सर्वजीत सिंह, आशुतोष सिंह, कांस्टेबल इंदु प्रकाश, पवनेश पांडे, उदय शंकर राम शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, वो कहाँ गए हुआ कि 11 जून को एक अनीता श्रीवास्तव नाम की महिला थी, जो ट्रेन से उतर रही थी, उसी समय कुछ लोगों ने रेल के डिब्बे में गेट के पास ही उनको घेर के उनसे बातचीत करने लगे और इसका फ़ायदा उठा करके उसी ग्रुप के एक दो लोगों ने उनका बैग जो है वो काट करके उसमें से सामान चोरी कर लिया। लगभग 1,25,000 रुपये की सामान की चोरी हुई थी, उसमें 45,000 रुपया नकद था, शेष सामान था। इस पर हमारे एडिशनल एसपी हैं
रत्ना मिश्रा जी उनके नेतृत्व में टीम गठित करके काम किया जा रहा था। कल सूचना मिली कि इस तरह का जो गिरोह है वो यहीं गोरखपुर में सक्रिय है और आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 95,000 रुपया नकद और एक मोबाइल फ़ोन ये बरामद हुआ है। 6 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त जिनका नाम गुलबहार इरफान है, गुलबहार, मोमिन, इमरान, ये सब लोग हापुड़ के रहने वाले हैं और शाहिद मेरठ का है और साजिद गाजियाबाद का है। ये 6 के 6 पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ कपड़े का फेरी का धंधा बता करके इस तरह की घटनाएं करते थे, जिसमें 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है। एक तो अनीता श्रीवास्तव जी के, अभी तो हमारे 2 मुकदमे वर्कआउट हुए हैं, ये 2 मुकदमे हैं और शेष मुकदमों की जानकारी की जा रही है। अगर इनका कहीं कोई आपराधिक इतिहास है तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता तक पीएसी जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जुमे की नमाज को देखते हुए शांति व्यवस्था का पालन करवाने के लिए दंगा निरोधक उपकरणों के पीएसी जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। शुक्रवार की जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए समय समय पर फ्लैग मार्च करवाया जाएगा और लोगों से संवाद भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, सोशल भी जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनका शांति भंग में चालान कर जेल भेजा जाएगा। वहीं इस संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा कि लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी होती है। लोगों में पुलिस का विश्वास बना रहे कि किसी तरह का भय ना हो, यह फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया गया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, बक्सीपुर चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, और ये सी के ट्रक्स वगैरह हैं वो जो मोमिन के ट्रक आ जाए वहाँ पर बस और ट्रक के वहाँ आ जाए। पांडे आसाद क्या है वो? पांडे आसाद बड़ी रोड है ना, बड़ी वहाँ इनके ट्रक खुलवा लो, तुम इंश्योर करोगे कि ये चलेंगे ना पांडे आसाद तक चलेंगे हम लोग, उसके पीछे वो लग जाएंगे। जैसा कि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज भी अदा होती है, इसके अलावा शहर के लोगों में पुलिस और प्रशासन का एक विश्वास बना रहे, लोगों को किसी प्रकार का कोई भय ना हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षा की गारंटी हो, इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट तथा पीएससी के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि शहर में सभी जगह पर शांति का माहौल रहे, लोगों में सुरक्षा का माहौल व्याप्त रहे। और के दिन शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए शांतिपूर्वक नमाज अदा करें लोग, इसको मद्देनज़र रखते हुए 2 प्लाटून पीएसी जो एक क्यूआरटी के रूप में एक अच्छे क्यूआरटी का जो गणवेश होता है उसमें दंगा निरोधक जितने भी उपकरणों से लेस होकर बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता चौकी तक फ्लैग मार्च किया जा रहा है और शांतिपूर्वक नमाज भी अदा की गई है।
एवं शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए समय समय पर फ्लैग मार्च कराया जाएगा। इस संबंध में सभी लोगों से बात भी की गई है एवं सभी धर्मगुरुओं से संवाद कल शाम को भी किया गया था एवं इसी तरीके का संवाद आगे भी जारी रहेगा। सभी सोशल मीडिया के लोगों को चिन्हित कर जो इस तरीके का फैलाते हैं उसको पहले तो उसका खंडन किया जाता है सोशल मीडिया पर ही एवं उसके बाद में उनको शांति भंग के अंदर उनका चालान भी करके उनको जेल भिजवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा शुक्रवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास एवं तकनीकी परामर्श पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन मत्स्य चेतना केंद्र मत्स्य निदेशालय लखनऊ से किया गया, जिसका सीधा प्रसारण एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 5 वर्षीय योजना में मत्स्य उत्पादन स्तर को 12 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने के लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन, डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी अंतरण एवं विभागीय आंकड़ों सूचनाओं की MIS फीडिंग आदि कार्यक्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में सघन मत्स्य पालन के लिए नई तकनीकों जैसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, एकीकृत मत्स्य पालन, बायोफ्लाक आदि को अपनाने हेतु मत्स्य उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बायोफ्लाक, RAS आदि कई नवाचार योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर निषाद जी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने हेतु पोर्टल आगामी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक आम जनमानस के लिए खोला जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस तिथि को आगे भी बढ़ाया जाएगा। जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गोष्ठी कराई गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया, जिसमें जितने भी मछली पालक हैं और जो किसान बंधु हैं वो मछली पालन में काम करना चाहते हैं उनके लिए इस योजना के अंतर्गत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करके सरकार अनुदान का लाभ ले सकते हैं। इसमें हैचरी से लेकर आइस बाइक तक का प्राविधान है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मत्स्य विभाग के उप निदेशक ब्रजेश कुमार एवं CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, और बहुत सारा सिस्टम है जो देता है उनको
नॉर्मल रूम से, तो इससे ऊपर भी हमारा इलाका का बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ कि वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है सितंबर के बाद। पानी में झींगा जो उत्पादन होता है, एक तो खारा पानी में बना नहीं होता है और एक मीठा पानी में होता है। हमारे बीच मुख्य विकास अधिकारी महोदय रह चुके हैं, आज रात तालियों से उनका स्वागत करिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जो हमारा पोर्टल खुलने वाला है 1 जुलाई से 15 जुलाई, उसी के क्रम में रखा गया था, जिसमें आपको विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा और मिलेगा जो है, साथ ही मत्स्य दुर्घटना बीमा और सारे किसान भाइयों और मछली मछुआरे भाइयों और मछली का व्यापार कर रहे हैं जहाँ उससे अपनी आजीविका कर रहे हैं, आप सुबह से बहुत गंभीरता से इस वेबिनार को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लंच का समय हो गया है, सबको भूख भी लगी होगी, तो मैं बस 2-3 मिनट लूँगा। मेरा यही अपील है आप लोगों से, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ये ऑनलाइन है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको भरने में किसी तरह की भी आपकी समस्या आती है तो विकास भवन में हम लोग बैठे हैं, विकास भवन में ही हमारा फिशरी डिपार्टमेंट का जो है ऑफिस भी है और वहाँ पर मैं भी बैठता हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब कई तरह की समस्या आ सकती है कि तालाब के पट्टे नहीं हो रहे, जहाँ पट्टा हो गया उसका आपका कब्जा नहीं मिल रहा, जहाँ तालाब आपका गहरा नहीं हो पा रहा है, पूरा एकदम मिट्टी भर गई है, सिल्ट आ गई है उसमें, तो किस तरह से मनरेगा से उसको साफ कर सकते हैं, जहाँ आप कोई ऐसा तालाब लेना चाहते हैं समूह बना के, समूह के माध्यम से, क्योंकि मेरे कई समूह की बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, समूह बना के तालाब लिए हैं तो उसमें अच्छा उनका बिक्री भी हुआ है, तो उस तरह का कोई आपको हेल्प चाहिए तो विकास भवन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखता है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो मेरा ये रहेगा आपसे कि आप इस 1 से 15 में जो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, बहुत लंबा चार्ट है, मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसमें आप इसमें काम कर सकते हैं। देखिए सरकार ने हर तरह का मत्स्य पालन को लेके, अगर आप ये देखेंगे ये पेज है पूरे का पूरा, एक इतना लंबा चौड़ा पेज है, इसको आप देखिए, इसकी ऐप भी बना दी है, इसमें हर तरह का जिस तरह का आपको अनुदान मिलेगा 40% 60% अलग अलग कैटेगरी में दे रखें, जिसमें बीज हैचरी से लेके अगर आप बाइक पे शीप डिब्बा लगा के उसको बेचने का भी प्रबंधन करना चाहते हो, उस तक का पूरा आइस बॉक्स सहित मोटरसाइकिल तक का जो आपका आप अप्लाई कर सकते हो, हर चीज़ दे रखी है इसमें। कम से कम मैंने देखा है, अभी देख रहा था बैठ के, कि जो आपके जो एंट्रीज है 20-25 तरह की योजनाएँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर भी 25 जो है आपके घटक, जो हर किसी को कोई ना कोई घटक में लाभ लेना चाहिए, आप अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए इसका जो है आगे प्रशिक्षण करते हैं। मेरा नाम जो है ब्रिजेश कुमार है, उपनिदेशक मत्स्य गोरखपुर मंडल। आज जो है राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित हो रही है वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 2024-25 तक, इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक पोर्टल खुलने वाला है, उसी के जागरूकता के लिए जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमने गोरखपुर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से किसानों को बुलाया है, उनको हम योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, साथ ही लखनऊ से जो है सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें वैज्ञानिक उनको बताएंगे कि आप मछली पालन कैसे करें और योजना का आवेदन कैसे करें, उसमें जो है और जो हमारे मत्स्य निदेशक हैं वो भी अभी संबोधित करेंगे, जिसमें उनको बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अलावा और कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई किसानों के लिए, जो मछली पालक हैं उनके लिए 1,60,000 रुपये तक जो है बिना किसी गारंटी का आपको लोन दिया जा रहा है। आप जो है मत्स्य पालक हैं, मछली बेचते हैं, मछली पकड़ते हैं या कोई और व्यवसाय करते हैं मछली संबंधित, उन सब के लिए जो है इसमें KCC बनाने की सुविधा दी गई है, 2 लाख रुपये तक आपको KCC दी जाएगा, 1,60,000 तक जो है बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। साथ ही दूसरी स्कीम है मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, इस योजना में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्ति जो मछली पालन करते हैं उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत जो है यदि कोई दुर्घटना होती है और संयोग से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया, यदि वह अपंग हो जाता है, अस्थायी अपंग हो जाता है, तो उसके लिए 2.5 लाख रुपया है, और यदि वह अस्पताल में भर्ती होता है उसके लिए 25,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है, इसमें भी जो है आप जो अपने जो तालाब है उनका निर्माण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में करीब 35 स्कीम है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि जो किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत कम ज़मीन है, 200-400 वर्ग फीट ज़मीन है, वो भी अपने घर के पीछे वहाँ पे छोटा सा टैंक बना के मछली पालन कर सकते हैं। मंत्री जी ने कहा कि सभी किसान भाई जो उनको सुन रहे हैं वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो है ये साइट खुल रही है, आप लोग आवेदन करिए। विभिन्न उप योजनाएँ जो चल रही हैं, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, आप लोग उससे जुड़िए, मत्स्य विभाग से जुड़िए और मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ उठाइए। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय गोष्ठी कराई गई है, वेबिनार था बेसिकली, और लखनऊ से इसका टेलीकास्ट किया गया है। इसमें हमारे जितने भी मत्स्य पालक हैं और किसान बंधु हैं जो मत्स्य पालन में काम करना चाहते हैं उनके लिए इस योजना के अंतर्गत 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वेबसाइट ओपन हो रही है, जिसमें 25-30 घटक हैं जिसमें वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करके सरकार के अनुदान का लाभ ले सकते हैं, जिसमें हैचरी से लेके आइस बाइक तक का प्रावधान है, 25 घटक है। तो बहुत ही लाभदायक योजना है, उसके प्रचार प्रसार, उसके लाभ, कैसे अप्लाई करना है, CSE सेंटर पे किस तरह से आप हेल्प ले सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर ये वेबिनार किया गया है और बहुत सफलतापूर्वक गोरखपुर में भी सारे मत्स्य पालकों के साथ इस वेबिनार को सम्पन्न कराया जा रहा है। नगर विकास के प्रमुख सचिव के निर्देश पर 22 जून से नाला और नालियों की सफाई का ड्रोन कैमरे से निगरानी करके उसकी रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में शासन को भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसका अनुपालन गोरखपुर नगर निगम करने लगा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के नगर निगम के अंतर्गत कुल 257 नाले आते हैं, जिनमें 13 बड़े नाले हैं, 117 मंझले नाले हैं और छोटी नालियां हैं। नाली की सफाई के लिए नगर निगम ने बाहर से किराए पर बड़ी वाली पोकलेन मशीन मंगाई है और यूपी में गोरखपुर नगर निगम ने अपनी जल पुलिस बनाई है, जो 10 किलोमीटर में सबसे बड़ा गोरधोया नाला है, जिसमें 25 से 30 वार्डों का पानी रामगढ़ताल, राप्ती और रोहिणी में जाता है। इसकी सफाई के लिए मल्ला साथी के साथ एक सुपरवाइजर के नेतृत्व में जल पुलिस बनाई गई है, जो तालाब में जो जलकुंभी घास को काटकर सफाई करके, उन्होंने बताया कि नगर विकास के प्रमुख सचिव के निर्देश पर 22 जून को नगरीय इकाइयों में नाला और नालियां सफाई कराए जाने के संबंध में उसका ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाए। नगर इकाई में बड़े से छोटे नाले, जिनका ऐसे नाले जिनका सफाई का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी नालों का सफाई ना होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इनका ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाएगा और ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान नाले की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई निर्धारित प्रारूप पर फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी पेन ड्राइव माध्यम से इसको उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 जोन में अपने जोनल अधिकारी और जोनल सैनिटरी अफसर को कैमरा और कैमरामैन उपलब्ध कराया गया है कि जल्द से जल्द निरीक्षण करके सफाई का कार्य पूरा किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में हैं, गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत कुल मिलाकर 257 नाले आते हैं, जिनमें से 13 बड़े नाले, 117 मझोले नाले और शेष छोटी नालियां हैं, और इनमें से पिछले वर्ष के अनुभव को देखते हुए जहां जहां पर जलभराव की समस्या पैदा हुई थी, उस अनुभव से सबक लेते हुए, उससे सीखते हुए हम लोगों ने इस बार फरवरी के एंड से ही इन समस्त नालों की तलीझाड़ सफाई के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इस बार पहली बार हम लोगों ने, गोरखपुर नगर निगम ने बाहर के अन्य जनपदों से बड़ी वाली पोकलेन मशीन किराए पर मंगाई, और इसके साथ साथ पहली बार
यूपी के किसी नगर निगम ने अपनी जेल पुलिस बनाई, क्योंकि जो यहाँ का सबसे बड़ा गुड़दैया नाला है जो कि लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और जिससे कि 25 से 30 वार्डों का पानी होता हुआ रामगढ़ के माध्यम से राप्ती और रोही नदी में जाता है, उसकी सफाई के लिए हम लोगों को ने जहाँ पर हमारी पोकलेन मशीन नहीं जा पा रही थी, मैनुअली हम नहीं करा पा रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपने जो मल्ला साथी हैं जो जिनके पास अपनी नाव थी, ऐसे लोगों की 12 सदस्यीय एक सुपरवाइज़र के नेतृत्व में एक जल पुलिस बनाई और उनको जो एक जलकुंभी टोरो प्लांट आदि को जो काटने वाले झबाऊ आदि जो उनके पास औजार थे वो उनको उपलब्ध कराए गए। इसके साथ साथ हम लोगों ने उन सभी लोगों के लिए जो गमबूट दस्ताने जो अन्य जो जैकेट लाइफ सेविंग जैकेट आदि की भी व्यवस्था कराई और इसके माध्यम से हम लोगों ने पूरे गुड़दैया नाले की तली झाड़ जो है सफाई करने में हम लोग सफल हुए। और इसके समय भी जब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस मामले में इतनी मतलब उनकी जिज्ञासा थी कि और कड़े निर्देश थे, हम लोगों ने वहाँ पर पूरे युद्ध स्तर पर गुड़दैया नाला के 10 किलोमीटर की सफाई की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मुख्य सचिव महोदय ने खुद इसको ऑन द स्पॉट स्थली निरीक्षण करते हुए इस सफाई को देखा और उस समय भी हम लोगों ने पूरे इस नाले की सफाई को ड्रोन कैमरे से इसको कवर किया था। लेकिन इधर जो है 22 जून को जो हमारे मुख्य सचिव महोदय प्रमुख सचिव महोदय हैं नगर विकास के, उनकी तरफ से जो जियो आया है कि जो नगरीय निकायों में नाला नालियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में उसका ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि निकायों में स्थित ऐसे सभी बड़े नाले जिनका सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ऐसे नाले जिनका सफाई कार्य न होने के कारण पूर्व में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इनको ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाना है। और हम लोगों ने इस ड्रोन कैमरे से सर्वे कराए जाने के पश्चात उन नालों की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई एवं गहराई निर्धारित प्रारूप पर उसके फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफी पेन ड्राइव के माध्यम से इसको उपलब्ध कराना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ मतलब बड़े नालों की जो वीडियोग्राफी कह लीजिए कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम लोग पहले भी करवा रहे थे, लेकिन चूंकि जब से शासनादेश आया हमने इसकी शुरुआत है बड़े पैमाने पर कर दिया है। हमारे पास 5 जोन हैं और 5ों जोन में हम लोगों ने अपने जोनल अधिकारी और जोनल सैनिटरी ऑफिसर के निवर्तन पर एक एक ड्रोन कैमरा कैमरामैन के उनको उपलब्ध करा दिया है कि जितने बड़े नाले और मझोरे नाले जिसकी वो सफाई करा चुके हैं और जो सेकंड राउंड हमारा सफाई का चल रहा है, जैसे कि आज सेकंड राउंड के तहत हम लोगों ने जो गोरखनाथ पूजनीय गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने वाली जो रोड है उस पर जिसपे कि एक बार सफाई हो चुकी थी लेकिन चूंकि उस पर बड़े बड़े स्लैब रखे हुए थे वहाँ पर हम लोगों ने बड़ी वाली पोकलेन मशीन 3 पोकलेन मशीन 1 JCB 3 हाइवा ट्रैक्टर ट्रॉली आदि लगवा कर तली झाड़ सफाई करवा रहे थे और आज हम लोगों ने वहाँ पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से उसका पूरा जो है एक सर्वे किया है और उसकी सफाई किस प्रकार से हो रही है उसका भी एक वीडियो भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से तैयार किया है जिसको कि हम लोग बहुत शीघ्र जो है शासन भी भेजेंगे। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं जहाँ तक कि हमारे हम फोटोग्राफ के माध्यम से या जो वीडियोग्राफी के माध्यम से नहीं कर पाते हैं, और ड्रोन कैमरे के माध्यम से करने पर कहाँ पर हमको किस प्रकार से किस जगह ज़्यादा जंगली प्लांट्स आ गए हैं, किस जगह पर सिल्ट ज़्यादा है, इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा आकलन हो जाता है। तो निश्चित रूप से इससे जो हमको बड़े नाले मझोले नालों की सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इधर अभी गोरखपुर में मानसून नहीं आया है हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको जो लगातार ये बोनस पानी वर्षा नहीं हो रहा ये बोनस पॉइंट मिल रहा है, इसीलिए लगातार हमको जहाँ भी कुछ भी खबर मिल रही है हम लोग लगातार उन नालों की सफाई करा रहे हैं। जो नाले हो चुके हैं हमारा द्वितीय चरण भी चल रहा है, कुछ नालों को हम तीसरे चरण में भी जा रहे हैं। पूरा उद्देश्य है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा हम लोगों से हैं उन अपेक्षाओं पर नगर निगम पूरी तरह से खरा उतरे।
जनपद में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जुमे की नमाज को देखते हुए जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की गई है, जिसमें पुलिस व मजिस्ट्रेट संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मस्जिदों पर पीएससी व पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा, जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पहले से मुस्लिम धर्म गुरुओं से संवाद किया जा चुका है, कहीं पर भी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। सभी अधिकारी थाना प्रभारी भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से क्षेत्रों का जायजा लिया गया है। एलआईयू टीम भी सूचना इकट्ठा कर रही है। अगर कहीं से भी कोई अराजक तत्व सामने आता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गई है, जिसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट साथ में घूमेंगे। साथ ही पीएसी व अन्य पुलिस बल को भी तैनात किया गया है जगह जगह पर। इसमें पूर्व से लोगों से संवाद किया जा रहा था और कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। फिलहाल सभी अधिकारी 12 बजे से राउंड पे रहेंगे, सभी थाना प्रभारी राउंड पे रहेंगे और जगह जगह जो संवेदनशील बिंदु हैं वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ में। और इसमें ड्रोनों के माध्यम से हमने पूर्व में रेकी भी करवाई है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एलआईयू जो है अपने स्तर से अलग सूचना संकलन कर रही है, कहीं कोई सूचना आते ही तत्कालिक अगर कोई अराजक तत्व सामने आता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सब्जी विक्रेता की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मामला बड़हलगंज थाना क्षेत्र का। एसएसपी ने कहा, शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। जीआरपी पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का एक मोबाइल, 95,000 रुपए नगद किया बरामद, एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी व एडीएम सिटी ने पीएससी जवानों के साथ बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता चौकी तक किया फ्लैग मार्च, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास एवं तकनीकी परामर्श पर राज्य स्तरीय वेबिनार का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, मत्स्य उत्पादन को 12 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने का है लक्ष्य। मछली पालक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं अनुदान का लाभ। नाला और नालियों की सफाई का नगर निगम ड्रोन कैमरे से कर रहा है निगरानी, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, शासन को पेन ड्राइव के माध्यम से भेजी जा रही है रिकॉर्डिंग। 5 जोन में जोनल अधिकारी और जोनल सैनिटरी अफसर को कैमरा और कैमरामैन कराया गया है उपलब्ध, ताकि जल्द से जल्द पूरा किया जा सके नाला सफाई का कार्य। शुक्रवार को जुमे की नमाज जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न। एसएसपी ने कहा, जुमे की नमाज को संपन्न कराने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई गई है पुलिस व पीएससी की ड्यूटी। जिले के सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कर रहे हैं निगरानी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करने वाले एक अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का 33 मोबाइल किया बरामद, एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बेलघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटिया में लगाया गया परफॉर्मेंस ग्रांट का चौपाल, कहा ग्रामवासियों से किया गया अपील कि कार्य की गुणवत्ता पर स्वयं रखे नजर। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, व्यापारियों के सुझाव को अमल में लाने तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश।
इलेक्ट्रिक बसों से नगर निगम ने जनवरी माह से लेकर अब तक 1,57,00,000 रुपए की कमाई। 2 टूरिस्ट बस और 10 अतिरिक्त बसें पहुंची गोरखपुर। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों की कमाई में पूरे यूपी में अपने आप में बना एक रिकॉर्ड। और शहर के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों और ट्रैफिक पुलिस के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। एसपी ट्रैफिक ने कहा, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया ताकि वह रह सके स्वस्थ और सुरक्षित। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीआरपी गोरखपुर पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को प्लेटफॉर्म नंबर 9 से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विक्की गौड़ पुत्र अशोक उर्फ टिंकू गौड़ निवासी डोमखाना पंपापुर सूरजकुंड थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करना व बेचना है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सर्विलांस सेल प्रभारी आदित्य सिंह, उप निरीक्षक राम व्यास सिंह, रामदयाल यादव, संजय यादव, हेड कांस्टेबल आशुतोष श्रीवास्तव, अनिल कुमार दुबे, इंदु प्रकाश, एसआई अयूब खान, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार गौड़, कांस्टेबल राम समुझ राम राकेश कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, यदि हिसाब किया तो यदि हिसाब चुका दें, हिसाब से बात कर लीजिए। इनका गिरफ्तारी हमारा सलाह विक्की डोम जो तिवारीपुर थाने का गैंगस्टर है और उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से 35 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो लगभग 4,00,000 रुपए कीमत के हैं। इसमें एक मोबाइल हमारे अभियोग से संबंधित भी है
और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास खंड बेलघाट के ग्राम पंचायत कटिया में परफॉर्मेंस ग्रांट चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बेलघाट के कटिया गांव में हमारे द्वारा चौपाल लगाया गया था, जिसमें सारे जिला स्तरीय कर्मचारी पहुँचे। यह गाँव एक परफॉर्मेंस ग्रांट का गाँव है। चौपाल में परफॉर्मेंस ग्रांट के सारे DPR के बारे में पढ़कर सुनाया गया और जो कार्य हो चुके हैं उनके बारे में बताया गया तथा सारे ग्रामवासियों से अपील किया गया कि कार्य की गुणवत्ता की स्वयं नज़र रखें, अगर किसी प्रकार की शिकायत होती है तो सीधे विकास भवन में कंप्लेन करें तथा इसके साथ साथ सारे विभागों अपने अपने योजनाओं को पढ़कर बताया कि किस तरह से योजना का लाभ लिया जा सकता है तथा राशन को लेकर 6 लोगों ने कंप्लेन की, उनका निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि ज़्यादा मामला राशन कार्ड में नाम जोड़ने को लेकर और आंगनवाड़ी द्वारा बच्चों को राशन वितरण है उसको लेकर मामले आए, जिसमें मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, लिया गया है सर, ग्राम पंचायत कटिया में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बालक बालिका शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कटिया के प्राथमिक विद्यालय का कार्यकाल 5 मार्च डबल हो गया था सर, इसको कैंसिल करा दिया गया है सर। ग्राम पंचायत कटिया में यादव टोला कोर्मी टोला में विभिन्न जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य हो चुके हैं सर। ग्राम पंचायत कटिया में मेन रोड पर विभिन्न जगह स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य ये सर हो गया। ग्राम पंचायत कटिया में प्राथमिक विद्यालय में हाई मास्क लाइट लगाने का कार्य सर ये भी लग गया है। हाँ, आज ब्लॉक बेलघाट के कटिया गांव में हमारी चौपाल थी, उसमें सारे जिला स्तरीय कर्मचारी वहां पहुंचे और ये परफॉर्मेंस ग्रांट का एक गांव है, इसमें परफॉर्मेंस ग्रांट का सारा DPR पढ़ के सुनाया गया और जो कार्य हो गए हैं उनके बारे में बताया गया और ग्रामवासियों से अपील की गई कि कार्यों की गुणवत्ता की स्वयं नज़र रखें, सारे कर्मचारियों के नंबर शेयर किए गए, अगर कोई कंप्लेंट है तो डायरेक्ट उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सारे विभागों ने अपनी योजनाओं को पढ़ के बताया, उसके जो किस तरह से उसका लाभ लिया जा सकता है उसके बारे में बताया। राशन को लेके 6 लोगों ने कंप्लेंट की थी, उनका निस्तारण किया गया और जो EKYC हो रहा है हमारे इसमें पेंशन में और PM किसान निधि में उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया और जल्दी से जल्दी उसको करवाने के लिए प्रेरित किया गया। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आई है हमारी आंगनवाड़ी का कि जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन उसको लेके और जो राशन में नाम जुड़ने को लेके, जिसको वहीं पे निस्तारण किया गया। आंगनवाड़ी का राशन डिस्ट्रीब्यूशन कल शाम तक हो जाएगा जो बच्चों के लिए होता है, तो उसमें एक कूपन को लेकर समस्या थी वो हल कर दी गई। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के पुलिस सभागार में जनपद के व्यापारियों के समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक के डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जनपद के व्यापारियों के साथ मीटिंग किया जाता है, उसी संबंध में मीटिंग की गई है जिसमें सारे व्यापारियों के समस्याओं को सुना गया। ट्रैफिक व्यवस्था अपराध से संबंधित मामले व्यापारियों द्वारा आए, जिसमें उन सभी मामलों को संबंधित को भेज कर निस्तारण कराया जाएगा तथा शहर की यातायात व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के संबंध में जो भी सुझाव मिला है उन सुझाव पर अमल किया जाएगा। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस एवं व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, आधे व्यापारी विरोध करते हैं, आधे कस्टमर को बोलते हैं, सर मेरा समस्या आ रही है, दो तीन जगह आ रही है, पर हम जो भी काम करते हैं करेंगे तो आपको रेती चौक से घंटा घर की तरफ करवाने में वहां दोनों तरफ से आती है ना पब्लिक, इधर से भी आती है उधर से भी आती है, गाड़ियों का भी जाम, इधर से गाड़ियां कोई बड़ी गाड़ी नहीं है यार, कोई यार ठेले रिक्शे वाले वो नहीं है और उधर से आए बड़ी मशीन, तो भी ट्रांसपोर्ट की सारी गाड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए मदन जी आप प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी व्यापारी, ग्राहक नहीं जाएंगे वहाँ पर दुकानदारी कैसे हो, नहीं ई रिक्शा वाले आए समस्याओं का ये गाड़ी जो है प्रयास हम लोग कर सकते हैं, हम और आप मिलकर करेंगे तो होगा, हमारी ऐसी सोच है एरिया वाइज डिवाइड कर लिया जाए और जिस एरिया में भी वो वहाँ के लोकल व्यापार मंडल के साथ 25-30-50 लोगों से आप हमारी मीटिंग करा दो,
हम आपका फीडबैक और सुझाव भी लेना चाहते हैं कि आपको क्या समस्या बाहर लेकर जानी पड़ती है। अलग से एक हमारी मीटिंग कराने में मदद उनके चार बच्चे थे, तो उसमें क्या है कि अभी कोई बंटवारा के निर्देश नहीं है, लेकिन ये है कि जिस फ्लैट वाइज हम लोग रहते थे दो दो फ्लैट है आने तुम ऐसे ही परेशान थे। तो सर ये बताइए नहीं वो तुम देंगे सर, कहने का मतलब है कि अगर जिस मकान में अगर रह रहे 20 साल से पिताजी ने नहीं निकाला, लेकिन आप कह रहे हैं कि मकान को दे दीजिए, कोई जरूरी है हम बेचिए आप बंटवारा ठीक है। ये हम अप्लीकेशन किससे बनवाएं, किस वकील से बनवाएं, सबसे अच्छी बात हो रही जो आप गया तो बताइए काली मंदिर पे, एक बताइए शास्त्री चौक पे। तो काली मंदिर वाली पहले आप समझिए कि काली मंदिर पे क्या समस्या आप बता रहे हैं। जी जो सिग्नल लगा हुआ है जी पता है, तो सामने सिग्नल का एक खंभा लगा हुआ है, उससे ये नहीं जाहिर होता है वो सिग्नल कहाँ के लिए दे रहा है, वो धर्मशाला रोड पर जाने के लिए दे रहा है या स्टेशन रोड जाने के लिए दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात सर, टाइमर बहुत सारे सिग्नल्स पे नहीं लगे हुए हैं या नहीं काम कर रहा है। टाइमर तो सारे सिग्नल्स पे हाँ लेकिन काम नहीं कर रहा है सर, आप देख सकते हैं मेरे साथ चल, आप मेरे साथ चलिए मैं दिखा दूंगा। और अगर इधर से शास्त्री चौक की तरफ जाएं हम लोग गोलघर की तरफ से, तो शास्त्री चौराहे पर भी यही समस्या है, वो सिग्नल से पता नहीं चलता वो किधर जाने के लिए सिग्नल दे रहा है और सिग्नल दिखता भी नहीं। अगर आप फ्रंट लाइन पे नहीं खड़े हैं, एक आदमी के भी पीछे खड़े तो नहीं दिखता, उसकी हाइट और बढ़ा दिया जाए जिससे दूर तक नहीं, उसके एक भी है उसके आगे भी एक पुराना नहीं, थोड़ा ऊंचाई भी सिग्नल की सब ऊंची होनी चाहिए दूर से दिखे। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक मीटिंग का आयोजन एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार प्रति माह किया जाता है, उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया था। इसमें शहर के व्यापारी बंधुओं की समस्याएं हमने सुनी, जो कि ट्रैफिक जाम को लेके या किसी अपराध की विवेचना से संबंधित मामले आए थे, उन सभी मामलों को संबंधित को भेज कर उनका त्वरित निस्तारण कराया जाएगा। और मैंने व्यापार मंडल से रिक्वेस्ट की है कि शहर की यातायात व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के संबंध में जो भी सुझाव इन्होंने दिए हैं उन सुझावों पर ऊपर हम लोग अमल करेंगे और इनके सुझाव हमेशा लेते रहेंगे। हेलमेट के बारे में तो सामान्य चर्चा हुई और मेरे द्वारा यही अनुरोध किया गया कि सब लोग चाहे छोटे काम के लिए भी जाएं परंतु हेलमेट अवश्य लगा के जाएं, क्योंकि दुर्घटना का कोई समय नहीं होता है कि कब दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना बता के नहीं आती है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए सभी के लिए हेलमेट लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनपद के चहुमुखी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और तेजी से विकास की गंगा बह रही है, जिससे सभी जनता अभिभूत है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने जनपद में 25 इलेक्ट्रिक बसें की सौगात दी है। प्रथम चरण में 15 बसें आ गई थी और दूसरे चरण में 10 बसें आने वाली थी, वो आ चुकी हैं, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर पर्यटन विभाग के नक्शे पर बहुत ही तेजी से उभरा है और बड़ी संख्या में पर्यटक गोरखपुर शहर में आ रहे हैं और उसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जनपद में 2 और टूरिस्ट बस भेजी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में जो 15 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, बसों से जनवरी माह से लेकर मई तक 1,57,00,000 रुपये का कमाई की है, जिससे पूरे यूपी में अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में जो 15 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, बसों से जनवरी माह से लेकर अब तक 1,57,00,000 रुपए की कमाई की है, जिससे पूरे यूपी में अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर की जनता को मैं बधाई देता हूं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा जैसा कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर नगर के चतुर्दिक विकास के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जितनी तेजी से यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है उससे सभी लोग अभिभूत हैं और उसी के एक कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर जनपद को 25 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी थी, जिसमें प्रथम चरण में 15 बस आ गई थी और दूसरे चरण में जो 10 बसों का जो अभी आ चुकी हैं और जो कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी हैं। और इसके साथ ही चूँकि गोरखपुर नगर, गोरखपुर जनपद जो
जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन के नक्शे पर बहुत ही तेज़ी से उभरा है और बहुत ही बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो गोरखपुर शहर में आ रहे हैं। और उसी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर जनपद के लिए दो और जो टूरिस्ट बसें होती हैं उनको भी यहाँ पर भेजा है। आज हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ जो महेसरा स्थित हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर हम लोग गए थे और वहाँ पर उस जो 12 मीटर की लंबी जो टूरिस्ट बसें थी उनको हम लोगों ने, मैंने खुद भी चलाकर उसको देखा, उसका परीक्षण किया और निश्चित रूप से जैसे आप देखते होंगे कि एयरपोर्ट में जो एरोप्लेन तक जो बसों में यात्रियों को ले जाने के लिए जो बसें इस्तेमाल की जाती हैं ये सेम उसी टाइप की बहुत ही हाई क्वालिटी की बसें हैं, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता से बनी हुई ये बसें हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि बताना भी चाहूँगा कि जो हमारे पहले चरण में जो 15 बसें आई थी उन बसों को इतनी ज़्यादा आम जनमानस के बीच में लोकप्रिय हुई हैं कि अभी तक जनवरी के महीने से लेकर आज तक हम लोगों ने 1,57,00,000 रुपए की विशुद्ध कमाई की है जो कि पूरा यूपी में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और निश्चित रूप से इसके लिए गोरखपुर की जनता बधाई है। आप खुद भी देखते होंगे कि इस वक्त जितनी भी जहां पर ये जा रही है बसें पूरे हर समय फुल रहती हैं। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों ने इसको और इस सीमा से बाहर आगे बढ़ाने के लिए बार बार वो पत्राचार भी हुआ है और इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल वहाँ से 25 इलेक्ट्रिक बस और भी देने के आदेश दिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बसों की पूरी फ्लीट जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग इसको ऐसे सारे रूटों पे कवर करेंगे जिससे कि जितने भी दूर दराज से लोग शहर में आते हैं अपने दैनिक काम कार्यों की वजह से, कोर्ट कचहरी की वजह से, अस्पताल में अपने पेशेंट को दिखाने की वजह से, पर्यटक स्थलों को घूमने के लिए और सबसे बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स जो हमारे बेटे और बेटियाँ अपने घरों से निकल कर यहाँ पढ़ने के लिए, कोचिंग की पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए यहाँ पर आते हैं उन सभी लोगों के बहुत ही इससे एक अच्छी सहूलियत हो रही है। और ये निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रिक बस आम जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। SSP विपिन ताड़ा के निर्देश एवं SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के द्वारा पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में शहर के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों और ट्रैफिक पुलिस के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण किया जाए जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी के साथ स्वस्थ समाज और शहर का विकास हो सके। उन्होंने बताया कि किसी चालक के नेत्र स्वस्थ होते हैं तो उसके साथ साथ यात्रा करने वाले लोग और घर परिवार के लोग भी सुरक्षित रहते हैं। जब कोई परिवार सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रहता है तो उसकी भागीदारी देश के निर्माण में अधिक होती है। हम सबको अपने शरीर एवं नेत्रों की जांच समय समय पर कराते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में समय समय पर शहर में विभिन्न जगहों पर सभी प्रकार के चालकों एवं पुलिस कर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करके उनका जाँच कराई जाए ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित ऑटो चालक एवं डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा हाँ अभी हाँ वही डाल
ना बनेगा तो फिर आपके लोग कौन जाएगा? मैं भी अनाउंस भी कर गया बहुत बड़ा सा हम लोग सुबह किसी कई लोगों ने पता ही नहीं पता ही नहीं किसी को पन्ना अलग कर लो अगर आप करने हैं तो ये पन्ना ज़्यादा कर लो। जनपद के ई रिक्शा चालकों के लिए और ऑटो ड्राइवर्स के लिए आज आँख परीक्षण कैंप का पुलिस लाइन में आयोजन किया गया है। अगर हमारे जो रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जितने लोग हैं ई रिक्शा ऑटो चालक इनकी अगर आई पावर ठीक रहेगी या आँख में कोई समस्या होगी पहले ही पता चल जाएगा। एक तो ये उनके लिए चैरिटी का काम है, इसके लिए चैरिटी के लिए बाबा विश्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट संगम आई हॉस्पिटल और अग्रवाल हेल्थ केयर सोसाइटी द्वारा पुलिस लाइन में कैंप लगाया गया है। तो यातायात व्यवस्था में दुर्घटना के चांसेस भी कम रहेंगे और कोई बीमारी होगी तो पहले से ही पता चल जाएगा तो पहले से अच्छा इलाज ये करा लेंगे। ये सभी ऑटो और टेम्पो चालकों के कल्याण में किया गया है। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सब्जी विक्रेता की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मामला बड़हलगंज थाना क्षेत्र का। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की कार्यवाही। जीआरपी पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का एक मोबाइल, 95,000 रुपए नगद किया बरामद, एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी व एडीएम सिटी ने पीएससी जवानों के साथ बक्सीपुर चौकी से पांडेहाता चौकी तक किया फ्लैग मार्च, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास एवं तकनीकी परामर्श पर राज्य स्तरीय वेबिनार का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा मत्स्य उत्पादन को 12 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने का है लक्ष्य, मछली पालक 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं अनुदान का लाभ। नाला और नालियों की सफाई का नगर निगम ड्रोन कैमरे से कर रहा है निगरानी, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा शासन को पेन ड्राइव के माध्यम से भेजी जा रही है रिकॉर्डिंग, पांचों जोन में जोनल अधिकारी और जोनल सैनिटरी अफसर को कैमरा और कैमरामैन कराया गया है उपलब्ध ताकि जल्द से जल्द पूरा किया जा सके नाला सफाई का कार्य। शुक्रवार को जुमे की नमाज जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ संपन्न, एसएसपी ने कहा जुमे की नमाज को संपन्न कराने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई गई है पुलिस व पीएससी की ड्यूटी, जिले के सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कर रहे हैं निगरानी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व ट्रेनों में आने जाने वाले यात्रियों का सामान व मोबाइल चोरी करने वाले एक अभियुक्त को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का 33 मोबाइल किया बरामद, एसपी जीआरपी ने किया खुलासा। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बेलघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटिया में लगाया गया परफॉर्मेंस ग्रांट का चौपाल, कहा ग्रामवासियों से किया गया अपील कि कार्य की गुणवत्ता पर स्वयं रखे नजर। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, व्यापारियों के सुझाव को अमल में लाने तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। इलेक्ट्रिक बसों से नगर निगम ने जनवरी माह से लेकर अब तक 1,57,00,000 रुपए की कमाई, 2 टूरिस्ट बस और 10 अतिरिक्त बसें पहुंची गोरखपुर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा इलेक्ट्रिक बसों की कमाई में पूरे यूपी में अपने आप में बनाए एक रिकॉर्ड। और शहर के ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों और ट्रैफिक पुलिस के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन, एसपी ट्रैफिक ने कहा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया ताकि वह रह सके स्वस्थ और सुरक्षित। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।